हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे SHB 17 टर्मिनेटर हेलमेट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो आज हम देखेंगे कि ये हेलमेट कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, कुछ इतने बड़े बॉक्स में आता है ये हेलमेट। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मुझे कुछ 1800 रुपीज़ पड़ा था। तो अब देखिए, इसके प्राइस ना फ्लक्चुएट होती रहती है ऑफर के हिसाब से। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। मजाक था दोस्तों, मजाक था। ये रहा हमारा हेलमेट, कुछ इस तरह से आता है। इसके साथ में हमें एक वाइजर फ्री में मिलता है ब्लैक कलर का। और ये है हमारा हेलमेट। फ्लिपकार्ट वालों ने पैकिंग भी अच्छे से करके दी है ताकि हेलमेट डैमेज भी ना हो। जल्दी से हम इसे ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा हेलमेट। ये हेलमेट की एक खास चीज़ क्या है कि ये जो रेड बटन है, इसे प्रेस करते ही हमारा जो वाइजर होगा वो ओपन होगा। आपको डायरेक्ट खींच के नहीं ओपन करना है, बस आपको ये जो रेड बटन है ऐसे प्रेस करना है बस। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन लोगों ने ना डिफॉगर प्रोवाइड किया है। ये क्या करेगा कि ग्लास को ना फॉग आने से प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके फेस पे वेंटिलेशन भी करेगा, आपको अंदर से ठंडा रखेगा। और ऊपर टॉप पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इन लोगों ने ना वेंटिलेशन के लिए पारिक होल्स प्रोवाइड किए। यहाँ पर आपका ना हेड को वेंटिलेशन मिलते रहेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो इससे क्या होगा ना कि हमें हेलमेट के अंदर गर्मी नहीं होगी, मतलब हवा आती रहेगी और सर को अच्छा ठंडा लगते रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हमें हेलमेट में बहुत गर्मी होती है। अभी दोस्तों एक और चीज़, ये हमारा जो ये जो कुशनिंग है ना अंदर से, ये हम निकाल सकते हैं इस हेलमेट के अंदर। निकाल कर आप रिप्लेस भी कर सकते हो पुराना होने के बाद, या फिर इसे वॉश भी कर सकते हो। वॉश करके फिर से सुखा के फिर से अंदर डाल सकते हो, पूरा हम ओपन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना हम कि हम इसका जो वाइजर है इसे कैसे काटते हैं और कैसे दूसरा वाला डालना है उसे हम देखेंगे कि कैसे इसे हम ओपन करें। इसे ओपन करना बहुत ईजी है, बस आपको इसे थोड़ा नीचे प्रेस करना है। ये जो वाइजर है इसे थोड़ा सा नीचे लेकर ये बटन को प्रेस करके वाइजर को बाहर काटना है। थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, थोड़ा सा आगे पीछे करने के बाद ये आ जाएगा, निकल ही नहीं रहा है, बहुत हार्ड है। वैसे मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, बाकी लोगों ने तो कहा था कि बहुत ईजीली निकलता है, निकल ही नहीं रहा है। हाँ निकल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा ब्लैक वाला वाइजर है इसे अभी हम इंस्टॉल करेंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए ना सबसे पहले हमें अंदर से प्रेस करना होता है, अंदर वाला डाल के फिर हमें ये बटन दबाकर बाहर वाले को डालना है। इतना करने पे हमारा वाइजर हो जाएगा इंस्टॉल। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टिकर है इसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका हेलमेट का लुक कैसे आता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा आ रहा है हमारा फाइनल आउटपुट, ऐसे दिख रहा है हमारा हेलमेट। जो ब्लैक वाइजर है ये हमारे हेलमेट बहुत अच्छा दिख रहा है। एक और चीज़, हमारा जो जो हेलमेट होगा ना, इसका जो वाइजर होगा ये हम बस तीन जगहों पर ही लॉक कर सकते हैं। एक होगा हमारे यहाँ पर, एक और एक होगा कंप्लीट बंद, और एक होगा पूरा ऊपर। ये तीन ही जगह हैं जहाँ पर हम ये हेलमेट का वाइजर सेट कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई अगर ये हेलमेट लेना चाहता है यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने के लिए या राइडिंग के लिए, तो अगर आप मोबाइल माउंट करते हो आगे, या मतलब गोप्रो माउंट करते हो, गोप्रो में भी फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट मोबाइल माउंट में क्या होता है, मोबाइल थोड़ा हैवी होता है और थोड़ा लूज होने लगता है माउंट। तो अगर आप मोबाइल माउंटिंग के लिए ये हेलमेट ले रहे हो, मतलब आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप ब्लॉग बनाने के लिए ले रहे हो या ऐसा कुछ राइडिंग के लिए, तो ये मतलब माउंट एकदम परफेक्ट है, ये हेलमेट एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन लोगों ने स्पेस भी दिया है, आप यहाँ पर उसे बांध भी सकते हो प्रॉपर, प्लस आप माइक वगैरह यहाँ पर इसके नीचे से लेकर ऊपर प्रॉपर सेट कर सकते हो, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लॉगिंग के लिए ये हेलमेट परफेक्ट है, राइडिंग के लिए भी परफेक्ट है, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप फिटिंग को देख सकते हैं कि मतलब एकदम टाइट है, लूज कुछ नहीं है। इवन जो एयर वेंटिलेशन के लिए जो आगे से जो जगह है खाली होनी चाहिए वो भी प्रॉपर खाली हो रही है, सो दैट एयर प्रॉपर अंदर वेंटिलेट हो। अब ये जो साइड व्यू है ये देखिए, इसके अलावा इसमें जो कलर ऑप्शंस है ना, ये बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आता है। मुझे ये फ्लोरोसेंट कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने फ्लोरोसेंट लिया। इसमें ऑरेंज है, ब्लैक है, आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम इसके बैक साइड में देखें ना, तो यहाँ पर हमें चार पोर्ट्स मिलेंगे। देखिए, चार जगह है वेंटिलेशन के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि हेलमेट के जो अंदर की जो गर्म हवा होगी ना, वो यहाँ से बाहर निकलेगी, सो दैट आपका हेड कूल रहे। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।